सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी, टूटी फूटी आवाज़ में रहुसा सीतापुर प्रेम बाजपे के साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अगर नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, एक गुमशुदा की तस्वीर है जो गत दिनों कस्बा रेवसा से अपने घर से निकला और आज तक वापस हुआ। आज करीब 4 दिन बीतने को वहीं पर इसके पिता ने थाने में तहरीर गुमशुदा की दे दी है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताते चले कि गुमशुदा तस्वीर के पिता शंभु दयाल का कहना है कि 2 मई 2022 दिन सोमवार को ये दीपक उम्र 30 वर्ष गुप्ता पुत्र शंभु दयाल गुप्ता अपने घर से निकला हुआ था, कुछ मानसिक तनाव जिसका इलाज चल रहा है काफ़ी दिनों से, और उसके बाद आज तक कभी घर वापस नहीं लौटा। वहीं पर काफ़ी खोजबीन और तलाश की लेकिन कहीं अता पता नहीं चल सका। आखिरकार दीपक गुप्ता गुमशुदा के पिता शंभु दयाल ने थाने में तहरीर दे दी है। वहीं पर पुलिस गुमशुदा का केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। ओपी तिवारी थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया है।